हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 21 जुलाई से 3 अगस्त के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रा इस बार सिर्फ 2 हफ्ते की हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाने वाली छड़ी मुबारक की पूजा 5 जुलाई को होने की खबर है और अमरनाथ यात्रा के रास्ते ठीक करने का काम भी शुरू हो गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदेरबल की हैं। मजदूर बर्फ को काट कर रास्ता बना रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम आए बादल के ऊपर वाले मंजिल हिस्से में, जिसको खिजन कहते हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हम जल्द से जल्द ये काम खत्म करेंगे और यहाँ पे यात्राओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी जब वो यहाँ से ऊपर जाएगी दर्शन करने के लिए। तो यही उम्मीद करेंगे, इंशाल्लाह हम जल्दी ये कंप्लीट करेंगे। अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई। अब अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने की संभावना है। हमारे जो सालाना अमरनाथ यात्रा जो मुतवक्का है इंशाल्लाह इसी महीने में, तो उसका जो जितने भी अरेंजमेंट या जितने भी लॉजिस्टिक्स हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, उनका हमने एक बाजाबता रिव्यू हुआ है। उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है मैंने कंसर्न एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया है कि दो अरेंजमेंट्स विल बी इन प्लेस वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द यात्रा। माना जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो सकती है, 2 हफ्ते तक चल सकती है। महंत दीपेंद्र गिरी के अनुसार यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत को लेकर कयास इसलिए भी शुरू हुए हैं क्योंकि यात्रा का श्री गणेश कही जाने वाली छड़ी मुबारक की यात्रा 5 जुलाई से शुरू हो रही है और 20 जुलाई को खत्म हो जाएगी। छड़ी मुबारक घाटी में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती रही है। ये छड़ी आदि शंकराचार्य के मंदिर से निकलती है, घाटी के सभी मंदिरों से होते हुए वापस शंकराचार्य मंदिर में स्थापित की जाती है, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होती है।